सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप का क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक फ़ुटबॉल को प्लेस कर रखा है, और अगर हम यहाँ पे अपनी रॉ वीडियो को देखते हैं, सो हमारी रॉ वीडियो कुछ इस टाइप से थी, ठीक है। सो अगर आपको इस वीडियो को यूज़ करना है फॉर प्रैक्टिस पर्पस, सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप इस वीडियो के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इस वीडियो को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इस वाले आइकन के ऊपर। सो बेसिकली जो भी यहाँ पे वीडियो का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक न्यू नल ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू नल ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पे इसकी क्वालिटी आप कर दो फुल, इट मीन्स जो भी यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन है आप इसे फुल कर दो। इसके बाद मैंने यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट करा और मैं यहाँ पे गया ट्रैकर के अंदर, और यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रैक मोशन। अगर आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, सो आपको जाना है विंडो में और यहाँ पे आपको मिलता है ट्रैकर, आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। सो मैं अभी यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ ट्रैक मोशन के ऊपर, और मैं यहाँ पे जस्ट इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे टिंड की यहाँ पे प्रेस करी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पे फिंगर के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर रखा है जस्ट मार्कर से, सो दैट हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट को ट्रैक कर पाएँ और इस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को लगा सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे जस्ट इस ट्रैकर को यहाँ पे सेट कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, जस्ट लाइक दिस। और अभी मैंने यहाँ पे जस्ट इसकी पोजीशन को यहाँ पे ऑन किया है। मुझे भी यहाँ पे रोटेशन एंड स्केल के यहाँ पे कोई नीड नहीं है, क्योंकि ना तो हमारी वीडियो में स्केलिंग है और रोटेशन यहाँ पे नहीं है। सो अभी हम यहाँ पे सिर्फ कर रहे हैं पोजीशन। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करो एडिट टारगेट के ऊपर, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो नल वन, और यहाँ पे आप इसको जस्ट यहाँ से प्ले कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे हमारे पास एक इश्यू है, वो ये है कुछ फ्रेम में ट्रैकर यहाँ पे दिख नहीं रहा। सो हम क्या करेंगे, हम इसे जस्ट यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको जस्ट अभी फ्रेम बाय फ्रेम कर रहा हूँ, जस्ट ट्रैक कुछ इस टाइप से। अगर कहीं पे हमें इशू देखने को मिलता है, सो हम यहाँ पे उसको मैन्युअली करेक्ट कर सकते हैं। फ्रेम बाय फ्रेम का यहाँ पे ये फ़ायदा होता है। सो अभी मैं यहाँ पे इसे जस्ट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जस्ट ये ट्रैकर को छोड़ रहा है। सो मैं इस वाले पॉइंट में इसे यहाँ पे सेट कर दूंगा कुछ इस टाइप से, लाइक दिस। सो गाइज, हमने यहाँ पे इस वीडियो को ट्रैक कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई के ऊपर, और यहाँ से आप इसे कर दो ओके। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट एक क्रिएट कर रहा हूँ न्यू सॉलिड। सो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू देन सॉलिड, और यहाँ पे मैं जस्ट टाइप कर रहा हूँ एलिमेंट, और इसका कलर कर रहा हूँ ब्लैक। इसके बाद मैं यहाँ पे गया इफेक्ट में, और यहाँ पे आपको मिलेगा वीडियो को पायलट। सो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक प्लगइन को इंस्टॉल कर रखा है, और इसके बाद मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक करा सीन सेटअप के ऊपर। एंड गाइस, एलिमेंट 3D के रिगार्डिंग मैंने प्रॉपर सीरीज निकाल रखी है ऑलरेडी, आप वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे गया स्पोर्ट्स वाले आइकन के ऊपर, और यहाँ पे मैंने जस्ट एक मॉडल को ले लिया। सो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ फुटबॉल के ऊपर। सो इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक एनवायरमेंट। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कुछ रूफ का एनवायरमेंट, और ओके प्रेस कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ग्रुप वन के अंदर, बिकॉज अभी हमारे यहाँ पे मॉडल ग्रुप वन के अंदर है, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे जेड एक्सिस में यहाँ पे कुछ इस टाइप से मूव कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे नल को सिलेक्ट करना है, और पी प्रेस करेंगे, पी फॉर पोजिशन, और यहाँ पर अगेन मैं क्लिक कर रहा हूँ एलिमेंट लेयर के ऊपर, और यहाँ पर आपको मिलेगा पोजिशन एक्स एंड वाई। मैं ऑल्ट के साथ लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर रहा हूँ इस स्टॉप वॉच के ऊपर, और मैं यहाँ पे जस्ट इसे पेरेंट कर रहा हूँ नल की पोजीशन के साथ, ठीक है। और अभी आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ही देखने को मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे जाएंगे और इसके फर्स्ट फ्रेम में आएंगे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पोजीशन के ऊपर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो सारी यहाँ पे की फ्रेम्स सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे इसे कुछ इस टाइप से शिफ्ट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। नाउ सी,
ठीक है। अब यहाँ पे हमारी मैनुअल की फ्रेम के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दो कुछ इस टाइप से अपनी फिंगर के ऊपर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसे करता हूँ मैं फिर टू स्क्रीन, नाउ सी। अब इसके बाद वापस गए एलिमेंट लेयर के अंदर, और यहाँ पे आपको मिलेगा रोटेशन। सो अभी मैं यहाँ पे इसे रोटेट करने वाला हूँ वाई एक्सिस में कुछ इस टाइप से। सो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ अगेन लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर रहा हूँ रोटेशन के ऊपर, और यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ टाइम इनटू माइनस 1000, ठीक है। मुझे यहाँ पे इसको अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इसे मूव करना है, सो मैं यहाँ पे इसे अभी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको इसका ऑन करना है मोशन ब्लर यहाँ से, और मेक श्योर आप इसको यहाँ से भी ऑन कर देना अगर ऑन नहीं होता है। इसके बाद कुछ इस टाइप से आपको बॉल यहाँ पे घूमते हुए दिखेगी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करने वाले हैं कलर ग्रेडेशन। सो मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ न्यू एडजस्टमेंट लेयर। सो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे न्यू देन एडजस्टमेंट लेयर, और इसको मैं टॉप में लेके जा रहा हूँ, और इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं कर्व्स। और मैं यहाँ पे जस्ट अप्लाई कर रहा हूँ कर्व्स कुछ इस टाइप से, देन थोड़ी सी यहाँ पे इसकी मैं हाईलाइट शेडो एंड मिड टोन्स को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। इसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ लुमेट्रिक कलर जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे गया क्रिएटिव के अंदर, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला प्रीसेट सेकंड नंबर का। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप का लुक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ CC विनिएट जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इसके फेस को और यहाँ पे कलर करेक्ट करना है, सो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सेलेक्ट करो एडजस्टमेंट लेयर को, एडिट में जाओ, यहाँ पे आप करो इसे डुप्लीकेट, और इसके बाद जस्ट यहाँ पे लो पेन टूल, और अपने यहाँ पे जस्ट फेस वाले पोर्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो कुछ इस टाइप से, कुछ रफ यहाँ पे आपको मास्किंग करनी है समथिंग लाइक दिस, और हैंड में भी आप यहाँ पे सेम कर लो कुछ इस टाइप से एक रफ मास्क, और सेम आप यहाँ पे भी कर लो एक रफ यहाँ पे मास्क। इसके बाद जस्ट आप क्या करो, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करो, यहाँ पे आपको मिलेगा मास्क, और यहाँ पे इसके मास्क 1, 2, 3, 4 जो भी है आप इसको यहाँ पे फैदर कर दो अराउंड 25, सारे यहाँ पे मास्क को यहाँ पे आप कर दो 25, ठीक है, सो दैट ये थोड़ा बहुत यहाँ पे फैदर हो जाएगा, 25 कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को कम करना है, सो आप यहाँ पे जस्ट टी प्रेस करो और इसको आप कम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद मैं यहाँ पे सारी यहाँ पे लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, देन प्री कंपोज कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फाइनल आउटपुट, और यहाँ पे एस प्रेस कर रहा हूँ एस फॉर स्केल, और थोड़ा यहाँ पे इसे स्केल कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस। सो गाइस कुछ इस टाइप से हमारे यहाँ पे इफेक्ट रेडी हो चुका है। जितना टाइम आप ट्रैकिंग को यहाँ पे अच्छे से देंगे, उतना यहाँ पे आपका आउटपुट अच्छे से यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए गाइज बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो समझ में आई हो। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग, सो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ अपने काम के रिगार्डिंग। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।